बाल मंदिर YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, प्रबंध का जो अध्याय है जो 16 अंक का है, 16 अंक भार का ये जो अध्याय है, ये अभी शेष है। इसका अध्याय दो अभी शेष है विद्यार्थियों। अध्याय दो के अंदर हम प्रबंध प्रक्रिया या इसके कार्य या प्रबंधक की भूमिका स्तर को हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध को हमने समझा, प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों को समझा विद्यार्थियों, और सिद्धांतों को समझने के बाद आज हम प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है विद्यार्थियों उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रबंध प्रक्रिया से हमारा क्या तात्पर्य है और प्रबंध के जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, मुख्य कार्य और सहायक कार्य, उन्हें भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ ट्रिक्स और टैक्स और लॉजिक से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा विद्यार्थियों। आप इस वीडियो में अंतिम रूप तक बने रहे विद्यार्थियों, गौर से देखें। मैं हर एक पॉइंट को, ट्रिक को, टैक्स से याद करवा दूंगा और इसकी व्याख्या, प्रत्येक बिंदु की व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूंगा विद्यार्थियों, गौर करें। तो सब सर्वप्रथम हम प्रबंध विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध की प्रक्रिया को हम समझेंगे विद्यार्थियों, प्रबंध की प्रक्रिया को समझेंगे कि प्रबंध की प्रक्रिया क्या है विद्यार्थियों गौर करना। प्रबंध प्रक्रिया मैं सरल सरल रूप में समझाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों, बने रहें। प्रबंध की प्रक्रिया क्या है और इससे क्या तात्पर्य है और इस प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएँ क्या है। ये प्रक्रिया को इंग्लिश में एक प्रोसेस कहा जाता है विद्यार्थियों। आप जानते हैं कोई भी चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें प्रक्रिया, उस प्रोसेस से गुजरना होता है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसे प्रोसेस कहा जाता है। और किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए या कोई भी हमारा जो काम है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रोसेस से ही हम धीरे धीरे उस उद्देश्य तक पहुंच पाते हैं। इसी आधार पर प्रबंध भी क्या है विद्यार्थियों, अगर प्रबंध की बात करें तो प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा न करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। क्या है किसी कार्य को करने, विद्यार्थी गौर करें, किसी कार्य को करने या ना करने, विद्यार्थी गौर करें, ना करने की एक प्रक्रिया। कोई भी हम कार्य करें या ना करें, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रबंध कहा जाता है विद्यार्थियों। और प्रबंध तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तक उसे प्राप्त नहीं कर लेते विद्यार्थियों। अगर हम जो हमने पूर्व निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए हैं, अगर हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं विद्यार्थियों, गौर करना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, आप समझने का प्रयास करना। हम उन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं विद्यार्थियों, जो पूर्व निर्धारित, जो पहले से ही निर्धारित हो, पूर्व निर्धारित उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, तब प्रबंध की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तब तक चलती रहती है जब तक पूर्ण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। ये जो लक्ष्य हैं जब तक नहीं प्राप्त हो जाते तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है विद्यार्थियों। एक प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने प्रबंध प्रक्रिया को किस शब्दों में समझाया, उनके शब्द क्या थे उन्हें समझे। प्रबंध शास्त्री का नाम है विद्यार्थियों गौर करें, स्टोनर। क्या नाम है विद्यार्थियों, स्टोनर। इन्होंने प्रबंध प्रक्रिया के बारे में क्या कहा, इन्होंने प्रबंध प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों कहा, प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। ये क्या प्रक्रिया कैसी है, कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना। यूँ नहीं है कि कार्यों को आप उथल पुथल तरीके से करो, नहीं, प्रोसेस के माध्यम से होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से होनी, कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना, व्यवस्थित रूप से करना विद्यार्थियों गौर करें, कार्यों को कैसे करना है, व्यवस्थित रूप से, कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना है। कौन से प्रबंध शास्त्री ने बोला प्रबंध प्रक्रिया के बारे में, कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना ही प्रबंध प्रक्रिया है। स्टोनर करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने ये चीज़ बताई विद्यार्थी गौर करना, स्टोनर प्रबंध शास्त्री ने ये चीज़ बताई कि प्रबंध प्रक्रिया वो है जो कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करे। एक व्यवस्था होनी चाहिए, सही क्रम होना चाहिए, श्रृंखला के रूप में कार्य करे। वास्तव में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है विद्यार्थियों, प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया है, लचीली प्रक्रिया है विद्यार्थियों, और ये गतिशील प्रक्रिया भी है विद्यार्थियों गौर करना। आज के युग में अगर देखा जाए, हम क्रमबद्ध तरीके से जो कार्य करते हैं, जो क्रियान्वयन करते हैं,
इसका मूल्यांकन करते हैं। एक प्रबंधक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, विद्यार्थियों गौर करना, एक प्रबंधक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, विद्यार्थियों सुनते जाएं, एक प्रबंधक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार का निर्धारण करता है, विभिन्न प्रकार के कई उद्देश्यों का निर्धारण करता है, विद्यार्थियों नियोजन करता है। नियोजन शब्द अपने आप में प्लानिंग होती है, ये एक प्लानिंग, इसे हम इंग्लिश में आराम से समझ सकते हैं, प्लानिंग करता है। संगठन करता है, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। नियुक्ति करता है विद्यार्थियों, नियुक्ति करता है विद्यार्थी, गौर करना, नियुक्ति करता है। निर्देशन यानी डायरेक्शन देता है, निर्देशन डायरेक्शन देता है। नेतृत्व करता है, संप्रेषण करता है, अभिप्रेरणा करता है, नियंत्रण करता है। ये सब एक प्रबंधक की कार्य को निष्पादित करने का एक तरीका होता है। अगर इसे हम संयोजित रूप से या फिर सामूहिक रूप से हम करें तो ये प्रबंध की प्रक्रिया कही जाती है विद्यार्थियों, और इसको प्रबंध प्रक्रिया को ही हम विद्यार्थियों प्रबंध प्रतिरूप भी कह सकते हैं। प्रबंध प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? प्रबंध प्रतिरूप, गौर करें विद्यार्थियों, प्रबंध प्रतिरूप भी कह सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट मॉडल, गौर करें विद्यार्थियों, प्रबंध प्रक्रिया को हम प्रबंध प्रतिरूप भी कह सकते हैं, यानी कि एक प्रबंधक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना, नियुक्ति करना, निर्देशन डायरेक्शन देना, नेतृत्व लीडरशिप करना, इनको अगर सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो ये एक प्रबंध की प्रक्रिया होती है, और इसी का दूसरा नाम प्रबंध प्रतिरूप भी से कहा जाता है विद्यार्थियों, गौर करें। अब हम प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताओं को समझेंगे। जिस प्रकार हमने प्रबंध की विशेषताओं को समझा था उसी प्रकार ही प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, हम इसे एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों, गौर करना। प्रबंध कार्यों की निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। पहले ही मैंने बता दिया प्रबंध कार्यों की निरंतर, जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, पूर्व निर्धारित जो हमने लक्ष्य जो उद्देश्य हमने ठान रखे उन उद्देश्यों तक हम नहीं पहुँच रहे तब तक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये गतिशील चलने वाली प्रक्रिया है विद्यार्थियों, गौर करें। दूसरा बिंदु है प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। विद्यार्थियों प्रबंध एक मानवीय क्रिया क्यों है? क्योंकि ये मानव के द्वारा की जाती है, सीधा सा बात है, क्योंकि सभी कार्य प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं, और सभी कार्य अगर प्रबंधक करेगा तो ये कैसी क्रिया है? मानवीय क्रिया है, मानव के द्वारा की जाती है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंध की जो प्रोसेस चलता है वो मानव के द्वारा किया जाता है, तो ये मानवीय प्रक्रिया है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, गौर करें, प्रबंध की क्रियाएं ज़्यादातर व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है, अतः प्रबंध सामाजिक क्रिया है। विद्यार्थियों प्रबंध सामाजिक क्रिया क्यों है? जो भी प्रबंध की जो क्रियाएं की जाती है वो किस पर संबंधित है? व्यक्तियों से संबंधित है, और व्यक्ति किस में रहता है? समाज में रहता है, तो ये एक सामाजिक क्रिया है। जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो समाज में रहकर ही की जाती है, तो विद्यार्थियों एक सामाजिक क्रिया भी है। चौथा बिंदु है प्रबंधक अपने प्रभाव का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूरा प्रयास करता है। प्रबंधक क्या करता है? अपने प्रभाव यानी अपने विशेष गुण, विशेषता, अपनी योग्यताओं, उनका इफेक्ट डालता है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अतः ये प्रभाव उत्पादक, यानी कि ये कैसी उत्पादकता प्रदान करती है? प्रभाव इफेक्टिवली एक परिणाम प्रदान प्रक्रिया है, परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया है, और जो प्रभाव रूप से हासिल किए जाते हैं एक प्रबंधक द्वारा विद्यार्थियों। पाँचवा बिंदु है विद्यार्थियों, गौर करें, लक्ष्य की प्राप्ति की ये प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन से लेकर सभी छोटे और बड़े व्यवसायिक, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे वो गैर व्यवसायिक संगठन में प्रयुक्त होती है। विद्यार्थियों जो एक लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं उन प्रक्रिया में एक जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर अंतिम रूप तक, यानी कि भले वो छोटा व्यवसाय हो भले वो बड़ा व्यवसाय हो, उस तक पहुंचने के लिए व्यवसायिक हो भले वो गैर व्यवसायिक हो, उन तमाम प्रकार की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए प्रबंध का विशेष योगदान रहता है, तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलती रहती है, यूनिवर्सल प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? यूनिवर्सल प्रक्रिया है, जो हर संगठन में उपयुक्त होती है विद्यार्थियों, गौर करें। इसे पढ़ने के बाद विद्यार्थियों हम अब जो प्रबंध प्रक्रिया के जो चरण हैं या प्रबंध प्रक्रिया के जो प्रमुख कार्य हैं विद्यार्थियों उसे पढ़ेंगे। ये जो कार्य है ये हर बार इसका प्रश्न पूछा जाता है, हम इसका अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर विद्यार्थियों हम इसे व्याख्या सही समझेंगे, मगर आज जो कार्य है कई विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों विद्वानों ने अलग अलग अपने मत के अनुसार कार्य बताए, उन कार्यों को हम
ट्रिक के द्वारा याद करेंगे विद्यार्थियों। विभिन्न प्रकार के ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने मत भिन्नता के कारण उन्होंने अलग अलग कार्य बताए कि एक प्रबंधक संगठन के अंदर कौन कौन से कार्य होने चाहिए, जैसे राल्फ डेविस करके हुए, कुंटोस ओडोनॉल करके हुए, ब्रेक करके हुए, प्रबंध शास्त्री हेनरी फ्योल, लिंडाल उर्विक, लूथर कुलिक की तो हर बार पूछी जाती है परिभाषा, विद्यार्थी गौर करें हर बार इन्होंने कौन कौन से कार्य बताए उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो प्रमुख कार्य कौन से होते हैं और सहायक कार्य कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों गौर करें। तो विद्यार्थियों जो हमारे प्रबंध के जो कार्य हैं उन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, वास्तविक रूप से प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं उन्हें मैं ट्रिक और टैक्स से पढ़ाऊंगा, एक सूत्र दूंगा, रामबाण विधि प्रदान करवाऊंगा, उस रामबाण विधि से आपको ये सब कार्य याद हो जाएंगे विद्यार्थियों। ये ज़रूरी है, अगर आपसे पूछा जाए कि राल्फ डेविस के अनुसार प्रबंध के कौन से कार्य हैं तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से वो सेम कार्य लिखने होंगे, यूँ नहीं ऊपर नीचे कार्य हो जाए। तो इसमें मैं आपको पहले याद करवाता हूँ किस प्रकार आपको याद करना है, गौर करें, ट्रिक और टैक्ट है उसके माध्यम से हम याद करेंगे विद्यार्थियों गौर करना प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्यों में पहले है राल्फ डेविस, कौन है राल्फ डेविस, फिर है विद्यार्थी गौर करें फिर कुंटस ओडोनॉल, फिर है ब्रेक, फिर है हेनरी फ्योल, फिर है लिंडाल उर्विक, और फिर है लूथर कुलिक। लूथर कुलिक की तो अपने आप में पोस्ट कॉर्प चलती है, ये 11th के अंदर भी अगर हम पढ़ते हैं तो भी वहाँ हमें समझने योग्य बात होती है और यहाँ भी हम समझेंगे। अब हमारे प्रबंध शास्त्री हैं रुडाल्फ डेविस और कुंटस ओडोनॉल और ब्रेक और हेनरी फ्योल। विद्यार्थियों गौर करें, रुडाल्फ डेविस, कुंटस ओडोनॉल, ब्रेक, हेनरी फ्योल, इन चारों में एक कॉमनता रहती है कि इनके अंदर ये सब एक कप में चाय पीते हैं। किसमें चाय पीते हैं? कप। और हम यहाँ इस कप को हम कोप बोलेंगे, जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं ना कप को, क्या बोलते हैं? कोप। अब ये कोप के अंदर चाय पीते हैं और ये कोप सब में चलता है। विद्यार्थी गौर करें, ये देखें कोप, ये कोप सब में चलता है। तो सी का यहाँ मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, जो संगठन रूप में चलता है। और पी का मतलब यहाँ होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, जो हम पहले से योजना बनाते हैं। तो विद्यार्थी गौर करें, रुडाल्फ डेविस, कुंटस ओडोनॉल, ब्रेक, हेनरी फ्योल, ये चारों ही कोप में चाय पीते हैं। कोप में चाय पीने का मतलब इन चारों में ही कोप तो रहेगा। कोप यानी कंट्रोल यानी नियंत्रण, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, प्लानिंग यानी नियोजन, ये तीनों में ही चलता है विद्यार्थियों गौर करें। अब विद्यार्थियों इसमें खास बात क्या है, इसे याद करने का तरीका, अब रुडाल्फ डेविस तो कोप चलाते हैं, कुंटस ओडोनॉल के अंदर एक चीज़ और आ रही है, कोप तो इन चारों में चल रहा है मगर कुंटस ओडोनॉल में डी आ रहा है। अब कुंटस ओडोनॉल, ओडोनॉल से अपन को यहाँ पता चला डी यहाँ भी आ रहा है तो इसमें भी डी डाल दो, डाल दिया विद्यार्थियों गौर करें, तो डी इसमें एक अलग है, तो डी का मतलब यहाँ है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देशन, डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देशन, निर्देशन। तो यहाँ कुंटस ओडोनॉल निर्देश दे रहे हैं, तो यहाँ डी एक से थोड़ा अलग है, मतलब कि अलग कहने का मतलब है कि जो कॉमन बात है ना जो चारों की कोप की, उसमें डी कुंटस ओडोनॉल में एक अलग निर्देश चलता है, निर्देशन चलता है, एक अलग कार्य चलता है कुंटस ओडोनॉल में, आपको याद करना है। अब विद्यार्थियों ब्रेक, ब्रेक के अंदर दो कार्य अलग चलते हैं, सी एम, अब सी एम को हमें क्या करना है, ब्रेक करवाना है, सी एम हमको हमें क्या करवाना है, ब्रेक करवाना है। अब विद्यार्थियों सी एम को हम ब्रेक कैसे करवाएंगे गौर करें, तो सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन और एम का मतलब यहाँ होता है मोटिवेशन। गौर करें विद्यार्थियों, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ ब्रेक के अंदर सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, और यहाँ एम का मतलब होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन। अब सीएम जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, उसे हमें क्या, वो कोऑर्डिनेशन करता है, यानी क्या करता है, सब में समन्वय स्थापित करता है, इसीलिए वो सीएम है, सबको साथ लेकर चलता है। और एम का मतलब या मोटिवेशन, यानी वो सबको अभिप्रेरित भी करता है, एक देश का राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो सबको समन्वय, सबके साथ समन्वय स्थापित करता है और सबको अभिप्रेरित करता है ताकि सब अभिप्रेरित रूप से हो सके। तो हमें याद करना है कि ब्रेक किसको लगाना है, ब्रेक यहाँ लगाना है सीएम के, हम ब्रेक लगाएंगे, और सीएम के अगर ब्रेक लगाएंगे तो सी का मतलब होता है अलग से कोऑर्डिनेशन और एम का मतलब अलग से होता है मोटिवेशन, बाकी तो सब में कॉमन है। अब हेनरी फ्योल, विद्यार्थी गौर करें, हेनरी फ्योल में भी कोप तो है ही है, अब इसके अलग क्या है, ओ सी, कोप हेनरी फ्योल, अब फ्योल अगर क्या हो गए, हेनरी फ्योल, हेनरी परमशास्त्री है वो क्या हो गए,
फेल हो गए, फेल्स हो गए, फेल। तो फेल हो गए तो हम क्या, ओ सी, देखो ओ सी ये फेल हो गए। अब ओ का मतलब यहाँ ऑर्डर और सी का मतलब यहाँ भी कोऑर्डिनेशन, इसमें भी कोऑर्डिनेशन आ रहा है और यहाँ ओ ऑर्डर आ रहा है। अब स्वाभाविक से बात है जब हम फेल हो जाते हैं तो सब हम पे ऑर्डर चलाते हैं कि आप फेल हो गए, आप ये हो गए। तो यहाँ हेनरी फेल के अंदर कॉप तो कॉमन है, ओ सी में आप क्या याद करोगे, ओ यानी ऑर्डर, सी यानी कोऑर्डिनेशन। विद्यार्थी गौर करें, ओ एन ऑर्डर, सी एन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय है विद्यार्थियों। अब लिंडाल उर्विक है विद्यार्थियों, इसके अंदर इनकी मैंने अलग परिभाषा दे दी। लिंडाल उर्विक को आपको पुक याद रखना है, पुक। लिंडाल उर्विक के अंदर आप क्या याद रखोगे, पुक। तो पी का मतलब प्लानिंग है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, और ओ का मतलब ऑर्डर है, और सी का मतलब कोऑर्डिनेशन है। विद्यार्थी कोऑर्डिनेशन तो सब में रह रहा है, कोऑर्डिनेशन तो सब में रह रहा है, ब्रेक में भी आ रहा है, हेनरी फेल में भी आ रहा है, लिंडाल उर्विक में भी आ रहा है। तो यहाँ पुक में क्या रखोगे, प्लानिंग। गौर करें विद्यार्थी, प्लानिंग पुक में, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी गौर करें, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन। तो लिंडाल उर्विक में आप याद रखना पुक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन। और इसके अंदर एक संदेश वाहन भी चलता है, फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान, और चेक, चेक यानी जाँच होती है, जाँच करनी है लिंडाल उर्विक की उर्वरकता ज़्यादा पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, जांच, फोरकास्टिंग और संदेश वाहन। विद्यार्थी गौर करें, अब अपना अगला बिंदु है लुथरकुलिक। लुथरकुलिक की तो अपने आप में चलती है पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब। लुथरकुलिक में क्या चलती है, पोस्ट कॉर्ब। पी का मतलब होता है प्लानिंग, विद्यार्थी गौर करें, पी का मतलब होता है प्लानिंग, पी का मतलब होता है प्लानिंग, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब होता है स्टाफिंग। प्लानिंग का मतलब यहाँ नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्ति करना, डी का मतलब है डायरेक्शन, डायरेक्शन निर्देश देना, और ओ का मतलब यहाँ होता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना, ये रिपोर्टिंग करना, और रिपोर्टिंग का मतलब यानी विवरण देना, और बजट यानी बजटिंग। विद्यार्थी गौर करें तो हमने लुथरकुलिक का जो फॉर्मूला है पोस्ट कॉर्ब उसको पढ़ा, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये विद्यार्थियों हमने इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग अपने कार्य बताए उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया। कुंटज ओडोनोल ने जो दी उसके अंदर, और ब्रेक और हेनरी फेल और लिंडाल उर्विक, इसके अंदर मैंने आपको बताया विद्यार्थियों गौर करें, इसके अंदर मैंने आपको समझाया कि सब में चारों रूपों में कॉप चलता है, और कुंटज ओडोनोल के अंदर डी चलता है, डी का मतलब डायरेक्शन बताया। ब्रेक के अंदर ब्रेक किसके करने हैं, सी एम के करने हैं विद्यार्थियों, गौर करें विद्यार्थियों, सी एम के ब्रेक लगाने हैं। तो सी एम के हमने ब्रेक लगाए, और सी एम, सी एम क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन समन्वय करेगा और मोटिवेशन करेगा। हेनरी फेल यहाँ फेल हो गए हैं, तो फेल हो गए तो ओ सी इन्हें देखें, ओ ओ यानी ऑर्डर, सी एन ए कोऑर्डिनेशन। लिंडाल उर्विक यानी पुक, तो पी यानी प्लानिंग, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, ओ यानी ऑर्डर और सी यानी कोऑर्डिनेशन। और इनका एक रूप और चलता है संदेश वाहन, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान और जांच, और लुथरकुलिक का पोस्ट कॉर्ब अपने आप में चलता ही चलता है विद्यार्थी गौर करें। अब हम कार्य, जो प्रबंध के कार्य हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए हैं, एक तो प्रमुख कार्य विद्यार्थी प्रमुख। अब ये सब कार्य तो हैं, हमने पढ़े हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, नियुक्ति है, निर्देशन है, आदेश है, समन्वय है, संदेश वाहन है, पूर्व अनुमान की जांच है, नियुक्ति करना है, मगर इसमें इनको भी अलग अलग रूपों में देखा जाए। प्रमुख कार्यों में किसे रखा गया और सहायक कार्यों में किसे रखा गया विद्यार्थी गौर करें, प्रमुख कार्यों में किसे रखा गया और सहायक कार्यों में किसे रखा गया। इधर जो आपको पता ही है कि अगर हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में प्रमुख रूप क्या होता है, प्रमुख रूप से एक सीडी होती है, वो कंप्यूटर को निर्धारित रूप से चलाती है। हमें ट्रिक के लिए याद करना है क्या चलाती है, प्रमुख रूप से सीडी। तो ये बड़ी सीडी, और सीडी में क्या है, सीडी कैसी है, पीओसी की सीडी है, पीओसी की सीडी है। गौर करें प्रमुख कार्य में सीडी, सीडी कैसी, पीओसी की। और सहायक कार्य में अगर हम बात करें तो सहायक, सहायक रूप से क्या है, डीपी, जो आजकल ज़्यादा यूज होती है डीपी आधुनिक ज़माने में, तो डीपी कैसी है, और हर कोई अपने डीपी को क्रेडिट करता है, अपने डीपी को कौन खराब बताता है, सब अपनी डीपी को अच्छा बताता है, डीपी को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो ये डीपी क्रेडिट कर रहे हैं सीआर। तो यहाँ तो हमारे कौन से कार्य हो गए, प्रमुख कार्य में अगर हम देखें तो सीडी, पीओसी, और सहायक कार्य में हम देखें तो डीपी, सीआर। डीपी को क्या करनी है, क्रेडिट करनी है विद्यार्थियों गौर करें। तो विद्यार्थियों हमने ये प्रमुख रूप से ये समझा, अब प्रमुख कार्य को और सहायक कार्य को हम विस्तारित रूप से समझेंगे विद्यार्थियों गौर करें। तो यह हमारा
एक मिनट गौर करें विद्यार्थियों। हाँ, अब देखो हम प्रमुख कार्य के अंदर हमने क्या बनाया था, सीडी। गौर करें विद्यार्थियों, क्या बनाया था, सीडी। सीडी के अंदर सी का मतलब होता है कंट्रोल। विद्यार्थियों गौर करें, सी का मतलब यहाँ है कंट्रोल, डी का मतलब यहाँ क्या है, डायरेक्शन। भाई सीडी को कंट्रोल, नियंत्रण करना पड़ेगा हमें, तभी कंप्यूटर के अंदर वो समावेश होगी। और निर्देशन, डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, और डायरेक्शन अगर देना पड़ेगा तो प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, प्लानिंग यानी नियोजन करनी पड़ेगी। और हम कंप्यूटर वगैरह किस लिए चलाते हैं, संगठन के लिए चलाते हैं, संगठन में कार्य करने के लिए चलाते हैं। और संगठन में कार्य कब होता है, समन्वय स्थापित करने के लिए होता है। विद्यार्थी गौर करें, तो सी का मतलब यहाँ कंट्रोल, डी का मतलब यहाँ डायरेक्शन यानी निर्देशन, पी का मतलब यहाँ प्लानिंग, विद्यार्थी गौर करें प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, और सी का मतलब कोऑर्डिनेट। विद्यार्थी गौर करें, सी का मतलब सीडी, सीडी का मतलब कंट्रोल, हमें कंट्रोल करनी है सीडी को। डी, डी का मतलब डायरेक्शन, निर्देश देना है कंप्यूटर को, हम निर्देश देते तभी कंप्यूटर चलता है। पी यानी पी हमें क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, प्लानिंग, हमेशा कंप्यूटर प्लानिंग के रूप से चलाया जाता है। और कंप्यूटर वगैरह सब होते कहाँ, संगठन के अंदर होते हैं। और सी, सी यानी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ समन्वय होता है। विद्यार्थियों गौर करें, अब हमारा है अगला बिंदु सहायक कार्य। सहायक कार्य में हमने ट्रिक बताई थी डीपी, डीपी, डीपी को क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। तो डी का मतलब बताया था डीपी, अगर डीपी को हम क्रेडिट करने को पड़ेगी तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, डिसीजन। डी का मतलब डिसीजन। और कोई भी डीपी को हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो ये पोस्टिंग, पोस्टिंग यानी नियुक्ति। विद्यार्थी गौर करें, नियुक्ति, पोस्टिंग का मतलब है नियुक्ति। विद्यार्थी गौर करें, आई, आई का मतलब है इनोवेशन। विद्यार्थियों आजकल ये जो सीडी वगैरह, डीपीआ वगैरह लग, सॉरी डीपीआ वगैरह लगती है, तो ये एक नवाचार है आज के रूप में, क्या है, नवाचार है ना, इनोवेशन। विद्यार्थियों गौर करें, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। गौर करें विद्यार्थियों, तो आई का मतलब नवाचार, इनोवेशन, और सी का मतलब कम्युनिकेशन। जिसकी डीपी अच्छी होती है तो उसका कम्युनिकेशन, संप्रेषण सही होता है, संप्रेषण यानी संप्रेषण, कम्युनिकेशन यानी एक बात को दूसरे तक बात को पहुंचाना और दूसरा उस बात को समझ सके। हम इसको विस्तारित रूप से समझेंगे विद्यार्थियों गौर करना। और रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व, और हमारी डीपी ही हमें प्रतिनिधित्व करवाती है। विद्यार्थियों गौर करें, तो हमने आज विभिन्न रूप से ट्रिक और टैक्ट से के माध्यम से हमने प्रबंध प्रक्रिया, जो हमारा अध्याय दूसरा था प्रबंध को लेकर, इससे पहले हमने अध्याय तीसरा पढ़ा था, प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ा था। विद्यार्थियों हेनरी फोर्ड के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को हमने पढ़ा था, फिर विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध जो मुख्य रूप से थे, व्यूहरचनात्मक प्रबंध मुख्य रूप से था, और अपवाद के द्वारा प्रबंध, उसको हमने पढ़ा। आज जो हमने अध्याय दो, ये जो हमारा प्रबंध का अंतिम अध्याय है, प्रक्रिया एक कार्य, प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, जो मैंने बताई स्टेनहॉवर के शब्दों में, प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है। कोई भी अपन कार्य करते हैं वो व्यवस्थित रूप से करते हैं, ये एक प्रोसेस है, उसको हमने समझा विद्यार्थियों। और प्रबंध प्रक्रिया का दूसरा नाम हमने बताया था प्रबंध प्रतिरूप, क्या बताया था, प्रबंध प्रतिरूप। छोटी छोटी चीज़ें आपको गौर करनी है विद्यार्थियों, प्रबंध प्रतिरूप ये हमने समझा था विद्यार्थियों। और प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताओं को समझा, और विभिन्न प्रकार के जो विद्वानों ने अलग अलग मत अनुसार प्रबंध के कार्यों को बताया, उसे हमने रॉल्फ डेविस, क्विंटस ऑर्डिनल ब्रेक और हेनरी फोर्ड में कॉमन कोप की बात की थी, और क्विंटस ऑर्डिनल में डी की बात की थी, जो डी अलग के रूप में रखा था, ब्रेक में सीएम की बात की थी, हेनरी फ्योल में ओसी की बात की, और लूथर कुलिक के अंदर पोस्ट कोर्प की बात की। ऐसे हमने इनको समझा विद्यार्थियों। एक बार आप इस कॉपी में जो मैंने नोट्स बनाए, आप भी